नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा कि हमने कुछ सरफेस डिफेक्ट्स के बारे में बात किया था, जिसके अंदर में ट्रांसवर्स क्रैक, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक और इसी तरीके से जो है बहुत सारे क्रैक्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अलग अलग क्रैक्स के अलावा भी दूसरे भी जो डिफेक्ट्स है उनके भी बारे में हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्चुअली क्या है, और इससे संबंधित जो हमारे कॉर्नर और फेशियल क्रैक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात की कि हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। एक्चुअली ये एक डायरेक्शन से रिलेटेड है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ये हमको जानना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि कई बार हम अगर क्रैक के बारे में तो समझ जाएंगे लेकिन हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये ट्रांसवर्स टाइप का है या लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का है। तो अगर नाम से अगर क्लियर हो जाता है तो किसी को बताने में भी हमको आसान रहता है और सुविधा रहती है, और सामने वाला भी उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हमको एक बिलेट का एक छोटा सा टुकड़ा का एग्जाम्पल लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये छोटा सा एक हमने बिलेट जैसा ही एक शेप बना हुआ है, ये बिलेट ही मान लीजिए आप। और इसके अंदर में ये जो येलो कलर की लाइन अभी आप देख रहे हैं, और अगर इस डायरेक्शन में बात करें हम, तो ये आपकी जो डायरेक्शन कहलाएगी वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी बिलेट में इस तरीके का कोई क्रैक हो जो आपकी इस डायरेक्शन में क्रैक हो, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में हो, मतलब मान लीजिए कि येलो कलर की जो पूरी लाइन है वो एक क्रैक ही है, तो वो अगर हम बात करेंगे कि ये कौन से क्रैक है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल अब वो सरफेस पे अगर है, उसकी बीच वाली सतह पे है, थोड़ा सा आइट साइड में है, तो वो सरफेस क्रैक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। अगर उसके कॉर्नर पर अगर है वो, तो वो कौन सा हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्नर क्रैक। ठीक है, तो ये एक समझने के हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक उसके ठीक 90 डिग्री के ऊपर में, या फिर बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है उसके, हमने एक एरो मार्क किया हुआ है येलो कलर का। और यही वाला जो येलो एरो मार्क है जो इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई सा क्रैक है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स क्रैक। ठीक है, उसको कौन सा क्रैक बोलेंगे? ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या फिर इसमें अगर कोई क्रैक है तो वो ट्रांसवर्स क्रैक। तो ये जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये इतना तो क्लियर हो ही गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल दोनों में से किसी एक टॉपिक को लेते हुए उसके सरफेस या फिर उस और उसके साथ साथ में उसके कॉर्नर क्रैक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारी एक स्टील बिट नाम से एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे। प्लीज़ आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं वो आने वाले समय में उस एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दी जाएगी। और अभी अगर यहाँ पे हमारे और भी कॉन्टैक्ट्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, और इसके अलावा भी हम यूट्यूब पर तो है ही मौजूद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसे आप जो है वो बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को जो है दोस्तों प्लीज़ आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं बल्कि पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जो है वो आज का हमारा ये जो टॉपिक है आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के अंदर में सरफेस डिफेक्ट्स जो हमने बात की थी उसके अंदर में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स क्रैक, फेस क्रैक की। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्स फेस क्रैक क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि अब ये देखिए, मैं आपके सामने में एक बिलेट लेके आता हूँ। तो ये जो हम आपके सामने में एक बिलेट लेके आए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो आपने अभी जस्ट अभी देखा, ये जो है ये ट्रांसवर्स फ्रेस क्रैक है। ठीक है, तो इस तरीके का क्रैक अगर आपको अगर बिलेट के ऊपर में दिखता है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फेस क्रैक। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रांसवर्स फेस क्रैक। ठीक है, बात ये है कि ट्रांसवर्स फेस क्रैक हमारे बिलेट में क्यों आता है। तो जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया है कि चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये पॉइंट है कि अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ यहाँ पे। वो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस तरीके से थे कि भाई एक बिलेट की जो है वो एक से ज़्यादा वजह हो सकती है क्रैक आने की, एक ही कारण से अलग अलग तरीके के क्रैक भी आ सकते हैं। ठीक है, हर प्लांट की कंडीशन अलग अलग होती है,
ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने वो टोटल 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ये जो क्रैक आया है वो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट वजह है, जो क्या मशीन साइड से नहीं है लेकिन केमिस्ट्री साइड से अगर देखा जाए, कंपोजिशन साइड से, तो उसकी स्टिल केमिस्ट्री। तो देख सकते हैं आपके रीजन में लिखा हुआ है स्टिल केमिस्ट्री, और उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसका जो कंपोजिशन है स्टील का पूरा वो चेक कीजिए। अब कंपोजिशन में क्या क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है, तो वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रेड का माल बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित हम एक अलग से एक बार टॉपिक डिस्कस जरूर करेंगे कि किस ग्रेड के लिए हमारा क्या कंपोजिशन स्टैंडर्ड रहता है करके। ठीक है, तो फिलहाल तो जो है वो स्टील केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं आपको। उसके बाद मान लीजिए कि आपका बेड टन डिस्कवर, मान लीजिए कि आप बेड टन डिस्कवर, टन डिस्कवर से मतलब यहाँ पर ये है कि आप टंडिस के अंदर में जो रेडेक्स डालते हैं या फिर कोई चावल का जो भूसा डालते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई है, या फिर उसके कारण में जो है कुछ स्लैग पार्टिकल्स अंदर में जा रहे हैं, या फिर उसकी क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपको ये भी चेक करना है क्योंकि उसका कंपोजिशन भी जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके आपके ब्लेड की क्वालिटी को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि दोस्तों क्वालिटी कैसा है आपका टंडिस कवर का। ठीक है, इसके बाद में जो है वो ओवर कूलिंग, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी ही वजह हो सकती है, बट हाँ इनमें से किसी एक वजह के कारण भी इस तरीके का क्रैक आ सकता है। मान लीजिए कि आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो कूलिंग हो रही है वो जरूरत से ज्यादा अगर हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, सेकेंडरी में या फिर प्राइमरी का ही अगर कूलिंग की बात करें, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा हो रही है तब भी इस तरीके के क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कूलिंग को कंट्रोल में चलाएं। आप लोग प्राइमरी का पानी तो कंट्रोल में चला लेते हैं लेकिन सेकेंडरी में कई बार जो है वो नोजल की साइज जो है वो कम ज्यादा हो जाने के कारण में कूलिंग में प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि कूलिंग जो है वो आपका बराबर से होना चाहिए। इसके बाद है फ्लक्चुएशन इन मोल्ड लेवल, और इसको सॉल्यूशन यही है कि मोल्ड लेवल को जो है वो कंट्रोल कर ले। ठीक है, अब फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि फ्लक्चुएशन मतलब ये है कि कहीं कभी आपका मोल्ड का लेवल जो है वो 100 mm 150 mm नीचे भाग जा रहा है, और कभी जो है वो 50 mm ऊपर आके रुक जा रहा है, फिर 50 mm ऊपर जा रहा है, फिर 25 mm नीचे चले गया वापस। तो ये बार बार जो ऊपर नीचे मोल्ड का जो लेवल हो रहा है इसी को हम बोलते हैं कि फ्लक्चुएशन इन मोल्ड लेवल। ठीक है, तो आपको ये जो फ्लक्चुएशन है इसको कंट्रोल करके रखना है। मतलब एक बार जो लेवल सेट कर दिया ठीक है 5-10-15 mm ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसी के ऊपर में आपके मोल्ड का लेवल चलते रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बार बार लेवल अगर अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके कारण में क्या होता है दोस्तों कि उसका जो शेल बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है और वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर होते होते वो पूरा तो नहीं टूटता है, लेकिन जैसे ही उसमें मैकेनिकल को स्ट्रेस आने लगता है तो उसकी वजह से ये क्रैक जनरेट होता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेस किस वजह से आएगा उसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। तो मोल्ड टेपर भी आपका जो है वो एक बार आपको देखना चाहिए कि भाई मोल्ड का जो टेपर है कहीं ना कहीं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मोल्ड टेपर में भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर आपका बिलेट जो है वो सही से नहीं निकलेगा, और सही से नहीं निकलेगा और जैसे ही वो स्ट्रेट होने जाएगा तो इस तरीके के क्रैक को वो जनरेट करेगा। तो बेहतर है कि आप अपने मोल्ड ट्यूब को बढ़िया से चेक करें, और अगर जरूरत पड़ता है, अगर टेपर में आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप मोल्ड ट्यूब भी चेंज कर सकते हैं। जनरली मोल्ड टेपर आपको चेंज चेक करते शायद हमें नहीं पता कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन जनरली लोग मोल्ड का टेपर चेक नहीं करते हैं छोटे प्लांटों में खासकर। तो मोल्ड टेपर कैसे चेक करते हैं इससे संबंधित भी हम आगे एक वीडियो में इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हैवी ल्यूब्रिकेशन, जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन भी हानिकारक होता है दोस्तों, इसलिए ल्यूब्रिकेशन जो है वो कंट्रोल में ही चलाएं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके का क्रैक आ रहा है तो ल्यूब्रिकेशन को तुरंत कंट्रोल कर लें, और कंट्रोल करने के बाद में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट जरूर मिला है। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से ये क्यों इस तरीके का क्रैक आता है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्लैग बनेगा, ज़्यादा स्लैग बनेगा तो समय रहते जिस स्पीड के ऊपर में आप चला रहे हैं हो सकता है कि पूरा आपने जो है स्लैग बाहर नहीं किया है, और स्लैग बाहर नहीं करने के कारण में कहीं ना कहीं उसकी फेस के ऊपर में फेस को जो है स्लैग के पार्टिकल्स वीक कर देते हैं, और जिसके कारण में कि इस तरीके के क्रैक आने की संभावना रहती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फेस के, की जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसी को अगर हम अगर एक बिलेट के ऊपर में देखें तो वो कैसा दिखेगा, तो अब दिखा देते हैं हम आपको दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पर एक ये बिलेट है, और ये बिलेट के ऊपर में जो है हमने
छोटी छोटी दो लाइनें दिख रही है, और यही दो जो लाइन है वो आपका बिलेट का फेस क्रैक है, ठीक है। ये एक्चुअली बिलेट का एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने यहाँ पे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फेस क्रैक बिलेट के ऊपर में भी दिख रहा है, ठीक है। कई बार क्रैक इतना ज़्यादा हैवी होता है कि पूरा बिलेट ही टूट जाता है, और वो टूट के नीचे भी गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर ये जो हमने सारी अभी जो वजह डिस्कस की, इसके अलावा और भी दूसरी वजह हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी ट्रांसवर्स फेस क्रैक की, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स कॉर्नर क्रैक की। तो उसके लिए वापस से हमने एक यहाँ पे बिलेट ले लिया, और आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर के ऊपर में अगर इसका कोई क्रैक है, अभी जो था वो आपका फेस में था, मतलब बीच वाली सतह पे था, लेकिन अब जो है ये क्रैक कहाँ पर आ गया, कॉर्नर में आ गया, और कॉर्नर में एक फेस से लेके दूसरे फेस पे जा रहा है, ठीक है। जब भी ये क्रैक कॉर्नर में होगा तो वो एक फेस को तो पकड़ेगा ही, दूसरे फेस को भी पकड़ेगा। दूसरे फेस को हो सकता है थोड़ा कम पकड़े या ज्यादा पकड़े, लेकिन ये कॉर्नर में ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें कि क्या वजह हो सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो स्प्रे पाइप की जो अलाइनमेंट है वो सही से है या नहीं है, ठीक है। या फिर रिंग का जो कूलिंग हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है कूलिंग, नोजल्स को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, अलाइनमेंट को उसको चेक कर सकते हैं, पानी थोड़ा सा रिंग का अगर थोड़ा कम करेंगे तो आपको इस तरीके के क्रैक को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद में मान लीजिए कि आपका हैवी एंड बैड क्वालिटी ऑफ मोल्ड पाउडर, अभी आप हमने जब फेस क्रैक था तो उस समय में हमने बात की थी कि भाई हैवी हैवी पाउडर चल रहा है, मतलब जरूरत से ज़्यादा चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी की, मान लीजिए कि आप कंट्रोल में तो चला रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो भी खराब है। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि हम आप जो मोल्ड पाउडर यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, और इसके लिए जो है वो आप मोल्ड पाउडर को बढ़िया से 70-80 डिग्री तक गर्म करें, 70-80 डिग्री तक गर्म करने के बाद में चलाएं, उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो आप कास्टिंग पाउडर वाले के साथ कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है हाई स्ट्रोक एंड स्टील कंपोजिशन, देखिए कि स्टील कंपोजिशन एक ऐसा रीजन है जो कि हर तरीके के क्रैक्स आने में या डिफेक्ट आने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हाई स्ट्रोक, तो मान लीजिए कि आपने जो स्ट्रोक लेंथ सेट करके रखा हुआ है वो जरूरत से ज्यादा है, तो इस तरीके के क्रैक मान लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप जो है वो स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि मशीन का जो नेगेटिव स्ट्रिप है वो आपका मेंटेन रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके लिए अगर आप चाहो तो आपके कंसर्न इंजीनियर को भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। हैवी स्ट्रेस ऑन बिलेट, मान लीजिए कि बिलेट के ऊपर में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आ रहा है, खासकर ये स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होता है, आपका मैकेनिकल स्ट्रेस है ये, और ये खासकर जनरेट होता है आपके अलाइनमेंट रोलर से। मान लीजिए कि आपका अलाइनमेंट रोलर जो है वही अगर गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा ऊपर साइड में दब गया है, या थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा नीचे हो गया है, उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है जहाँ पर कि वो कॉर्नर में जो है इसके डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण में जो है इस तरीके के क्रैक आने की संभावना रहती है। तो उस तरीके के क्रैक से बचने के लिए आप जो आपके जो रोलर्स हैं, इधर वो सपोर्टिव रोलर्स है या फिर अलाइनमेंट्स के जो रोलर्स है, उनको आप बढ़िया से सेट कर ले, चेक कर ले, और उसके ऊपर में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको कम कर ले, ठीक है। इसके बाद में लो कास्टिंग स्पीड, अगर मान लीजिए कि जरूरत से धीरे अगर हम कास्टिंग चलाते हैं तब भी आपका इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो आने की संभावना रहती है, ठीक है। लो कास्टिंग मतलब आपका कहीं ना कहीं टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और देखिए कि आप लास्ट का जो पॉइंट है वो यही है कि लो मेटल टेम्परेचर, एक तो कास्टिंग स्पीड कम है, मान लीजिए कि उससे टेम्परेचर भी कम हो रहा है आपका, ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए कि टेम्परेचर ही कम है भले स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कंट्रोल में है स्पीड लेकिन टेम्परेचर ही कम है आपका, तो उस वजह से भी जो है इस तरीके के क्रैक जनरेट होने की संभावना रहती है। तो ये जो सारे पॉइंट है आपके, इन सारे पॉइंटों को आप एक एक बार डिस्कस करने के बाद में, सारा एक एक पॉइंट को चेक करने के बाद में अगर आप इसका सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी इसी का एक एग्जांपल हम बिलेट के ऊपर में भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि एक बिलेट का एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक्चुअल बिलेट का एक एग्जांपल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर के ऊपर में जो है वो क्रैक दिख रहा है, एक दो तीन तीन जगह पे जो है वो इसके अंदर में क्रैक दिख रहा है। जो सबसे पहला क्रैक है जो अभी आप देख रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है, कुछ 50 mm 60 mm छोड़ के, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और उसके अलावा जो है वो छोटे छोटे क्रैक हैं, लेकिन फिर भी ये क्रैक तो है। तो इस तरीके के क्रैक अगर जनरेट होते हैं तो आपको क्या करना है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होता है
तो आप जो है वो आपके मैनेजर्स को या फिर आपके जो भी कंसर्न इंजीनियर्स है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में इतना ही। कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आपको बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए हम लोग जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लेके आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो है हम इसी सरफेस डिफेक्ट के लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको जो है इसका सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है? इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हम लोग मौजूद है। प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करेंगे। हालांकि वो चीज़ें हम ज़्यादा चलाते नहीं हैं समय की कमी के कारण, लेकिन फिर भी आप उस पर अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन जैसा एक काम करेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।